हेलो, वेलकम टू योर न्यू डायरेक्शन। नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती विज्ञापन पर बीएड, डीएलएड, बीटीसी पास छात्रों के लिए बहुत ही अच्छी अपडेट है, क्योंकि लंबे समय से जो उनका इंतज़ार था वो आखिर में अब समाप्त होता दिख रहा है। जैसा कि आप सभी को जानकारी है कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर जो भी लेटेस्ट अपडेट आती है वो चैनल के माध्यम से सबसे पहले आपको दी जाती है, और इसी क्रम में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर एक बड़ा आदेश यहां पर जारी हुआ है, और यह जानकारी आप तक पहुंचाना आवश्यक था, इसलिए बड़ी अपडेट आ चुकी है यहां पर। अगर आप भी नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि ये जो आदेश है सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज की तरफ से जारी किया गया है। समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को यह आदेश 5/6/2022 को जारी किया गया है, जहां पर जो विषय है वो सूचना उपलब्ध कराए जाने के संबंध में है। जहां बड़ी अपडेट है, क्या सूचना है वो आपके लिए बहुत ही अच्छी अपडेट है, क्योंकि भर्ती को लेकर कहीं ना कहीं जो प्रक्रिया है वो शुरू होती दिख रही है। अभी जैसा कि हाल ही में शिक्षा मंत्री जी के माध्यम से बयान दिया गया था रिक्त पदों पर, उसी को लेकर यहां पर एक और बड़ी अपडेट आ चुकी है। आप देखेंगे कि प्राथमिक विद्यालयों में रिक्त पदों का जो डेटा है वो एकत्रित करने का कार्य शुरू हुआ है। बताया गया है कि दिनांक 30 अप्रैल 2022 तक छात्र की संख्या क्या है उसके अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में जो पद हैं, प्राथमिक सहायक अध्यापक, यहाँ प्रधानाध्यापक के साथ में सहायक अध्यापक के कितने होने चाहिए और उसमें कितने अध्यापक कार्यरत हैं, चाहे वो प्रधानाध्यापक हो चाहे वो सहायक अध्यापक हो। इसी प्रकार से नगर क्षेत्र में भी पूछा गया है, और इसी तरह उच्च प्राथमिक विद्यालयों में भी जो यहाँ पर रिक्त पद इस समय हैं, यानी कि कितने पद होने चाहिए और इस समय कितने कार्यरत अध्यापक हैं, ये जानकारी मांगी गई है। तो कहीं ना कहीं नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए ये जो डेटा है वो एकत्रित कराने का जो कार्य है वो शुरू हुआ है, और ये जो सूचना है वो 7/6/2022 तक परिषद के कार्यालय पर ईमेल के माध्यम से उपलब्ध कराना है। तो अच्छी अपडेट आ चुकी है कि ये जल्द ही ये डेटा एकत्रित होने वाला है। यहाँ पर दो कारण है, एक तो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती, साथ में जो कुछ ट्रांसफर होने हैं उनको लेकर भी ये डेटा एकत्रित किया जा रहा है। तो अच्छी अपडेट है। फिलहाल इसके आगे कोई अलग से नोटिस देखने को मिलेगा तो उसकी भी जानकारी दी जाएगी, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।